हेलो हेलो भाई डायनामो, मुझे चिकन डिनर दे दे। हेलो भाई डायनामो डायनामो, हेलो भाई बिग फैन डायनामो। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। भाई गेम होने वाला है इंटरेस्टिंग, तो गेम को जरा लास्ट तक देखना। और गेम में अलग ही सीन है भाई, किल तो ज़्यादा नहीं हुए लेकिन गेम में तुम देखना अलग ही सीन है। हम आ गए थे स्टेडियम में और स्टेडियम में हमारी साथ आई दो स्क्वाड है। कोई बात नहीं, मेरे को दोनों शॉट गन मिली। शॉट गन मिलने के बाद मैं चला गया आगे, तो मेरे को बंदा नोटिस हुआ, एक बंदा भाई। मैंने से दो तीन पड़ी इसको, लेकिन लॉन्ग रेंज की पड़ी सारी। अगर क्लोज में पड़ती तो नोक हो जाता, तो मैं भी फिर पीछा छोड़ा नहीं। मैंने कहा तेरे को नोक करके छोड़ूंगा, लेकिन भाई इस पे तरस आ गया। आप देखना, इसने मीटअप कर लिया तो मेरे को तरस आ गया, मैंने इसे छोड़ दिया। मैंने कहा जा, तो हमें नहीं पता भाई इसका, ये तो बंदा था लेकिन इसकी एक बंदी है भाई। कपल यहाँ पर आई हुई है भाई, ऑल पे बात हुई हमारी। अभी देखना क्या सीन है। सीन भाई बहुत अलग हो गए यहाँ। तो ये एक लड़की बोली कि प्लीज़ प्लीज़ हमें छोड़ दो, और लड़का भी बोला कि छोड़ दो यार। तो हमने बोला कि ठीक है जाओ। तो अभी मैं इन्हें ऑल पे माइक करके इनको बोलूँगा तुम यहाँ मत रुको, तुम सीधे ऊपर जाओ। तो जैसे ही मैंने इन्हें बोला कि तुम ऊपर जाओ, तो हमने यहाँ पर जो दूसरी स्क्वाड आई हुई थी, दूसरे हैवी बंदे थे भाई, बहुत हैवी बंदा, माँ की आँख उसके पास थी। उसके पास था वो मम्मी सूट था उसके पास। अभी देखना उसे कैसे मारेंगे। तो भाई हमने पूरा स्टेडियम देख मारा लेकिन वो नहीं मिला। हमने उन्हें बंदों को बोल रखा था तुम ऊपर रहना, तो अभी मैं ऑल पे माइक करके बोल रहा हूँ कि आ जाओ नीचे फील्ड में आ जाओ यहाँ पर। तो वे बंदे इधर कोने में दिखे मेरे को, अभी देखना दिखेगा आपको भी। ये दिखे दोनों, तो ये नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन बंदों ने इनके ऊपर रस कर दिया पीछे से, पता नहीं कैसे आया। तो भाई दोनों बंदों को नॉक कर दिया, नॉक करके फिनिश भी कर दिया। अब भाई हम दौड़े इतना हम दौड़ के वहाँ पर गए, इतना भाई वो उससे उस बंदे ने दोनों को फिनिश कर दिया। हमने कहा छोड़ेंगे नहीं तेरे को साले, तूने यार हमारे मीटअप पहली दफ़ा मीटअप करा, किसी ने बेचारे ने बिग फैन बोला, और तूने साले किल कर दिया उन्हें। अरे मर जा, चल हट। ये साला बड़ा हैवी बंदा था, मेरे को तो नहीं दिख रही ड्रेस, लेकिन इसकी ड्रेस मम्मी सूट इसने पहना हुआ था। तो कोई नहीं भाई, यहाँ से बेचारों को अब क्या करे यार। सैड फीलिंग्स ही आ रही थी कि हमारे होते हुए यार बंद हमारी मीटअप करने वाले मर गए। तो इसे किस विस कर गए, तो भाई हम चल दिए आगे, सर्कल चला गया आधा, लेकिन भाई किल तो हुए, सिर्फ एक ही किल हुआ है। तो इस किल को करने के बाद तो हम चलते आगे। तो हम स्टेडियम से निकले, तो स्टेडियम से निकलने के बाद पता नहीं कहाँ से बंदा आया, इतना फिर डैमेज देना शुरू कर दिया भाई पीछे से। अभी देखते सर टिप्स एंड ट्रिक लगा के मारेंगे। तो भाई इस बंदे, ये बंदा साला डैमेज पे डैमेज दिए जा रहा था, मेरे टीममेट को भी दे रहा था। मैं टीममेट को बोला कि भाई तू मेरे पास क्यों आ गए यहाँ पर। तो कोई नहीं भाई, मैंने बोला कि तू कवर फायर देना, मेरे को जाना ही पड़ेगा उधर। तो अपन चलते उधर, उधर ही जाके मारेंगे साले को। और यार पता नहीं क्या हो रहा, मैं रिकॉर्ड कर रहा था गेम की, तो साउंड आई एमओ की गोली की, सब कुछ साउंड आ रही, लेकिन उसकी साउंड नहीं आ रही, मेरी आवाज़ थी उसमें से। तो किसी को मालूम है तो मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसे गेम की तो साउंड आ रही, मेरी क्यों नहीं आ रही साउंड। क्योंकि मैं अभी देख टीम अप करा था उनके साथ, तो लड़की की आवाज़ नहीं आई, नहीं तो तुम्हें सुना था भाई। कपल आए हुए थे भाई, कसम से कपल थे वे दोनों, कह रहे थे प्लीज़ प्लीज़ मत मारो, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। तो मेरे को यहाँ मेरी फेवरेट डीपी मिल गई, डीपी मिल के चलते हैं हम आगे। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो हम सीधा यहाँ पर सर्कल में आए, यहाँ पर थे दो बंदे, और मैं डरा नहीं क्योंकि मेरे पास थी H12K पापी गन। तो वे दोनों थे ऊपर, लेकिन हम चलते हैं ऊपर ही। और साला ऊपर से नीचे कूद गया, कोई बात नहीं आने दो दोनों को। मैं इधर कवर फायर लेके बैठ गया। तो यहाँ पर दोनों फिनिश हो गए, लेकिन मेरा बंदा हो गया था नोक, मेरा दोस्त मेरा टीममेट नॉक हो गया था। तो भाई इसे रिवाइव दे के मैंने बोला चल आगे चलते, आगे सर्कल बनेगा बीच में। और बंदे भी ज़्यादा नहीं रह रहे थे, बंदे छः बंदे रह रहे थे, तो हमने सोचा चल आगे चलते आगे पता चलेगा। हाँ यार बैग चाहे फुल हो जाए लेकिन लूट ना जाए, तो भाई लूट ना पहले सब कुछ लूट के तब चले गए यहाँ से। तो मेरा टीममेट चिल्ला रहा था भाई मेरे पास वेस्ट नहीं है। तो मैंने कहा चल तू ड्रॉप लूट, मैं कवर दूंगा। तो ये बंदा मोटिव हो जाता है, तो भाई डैमेज तो मैंने 100% दिया
99% दिया, खाली 1% बचा हो। तो यहीं पर मैं डीडीपी रिलोड पे लगी, तो उसने दो गोली चला दी मेरे दोस्त ने, तो किल उसको मिल गया। अब वो डायरेक्ट किल हुआ, तो फिर एक बंदा, मैंने सोचा एक बंदा कौन है भाई, एक बंदा 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 कहाँ पर है साले को, ढूंढो ढूंढो। तो हमने सोचा कि साले के साथ मीटअप ही करेंगे, मिल जाए तो। हमने सोचा ही नहीं कि किल करेंगे उसे। मैंने कहा दे देंगे आराम से चिकन डिनर बेचारे को। तो जो शुरू में आपने वीडियो देखी ना, शुरू में तो वही बस लास्ट वाला बंदा था, आ जाता है अपने पास। अब भाई बोल रहा था, देखो सुनो इसकी, मैं तुम्हें थोड़ा सा सुनाता हूँ क्या बोल रहा था, अभी सुनना। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? डायनोमो, डायनोमो नाम है भाई। डायनोमो भाई, डायनोमो भाई, चिकन डिनर भाई, भाई डायनोमो बिग फैन। अरे हाँ, अरे भाई मैंने आपकी वीडियो देखी थी, डायनोमो भाई बिग फैन, बिग फैन भाई। चिकन डिनर दे दोगे क्या? हाँ ले जा चिकन डिनर। हाँ हाँ ओके, दे दो भाई चिकन डिनर। लेकिन तू किल नहीं करना, जोन से मरेंगे हम। ओके भाई। हाँ जोन से मरेंगे हम, तू किल नहीं करना ठीक है। बंदा मेरा जोन में चला गया, मैं भी जोन में जा रहा ठीक है। जोन से मरेंगे ऐसे नहीं, तुम नहीं मारना ठीक है। हाँ उसने अपने आप को गन से मारा था, इसने साले ने गोली चलाई। मैंने कहा भाग बोसे डीगे।